आप अपने गूगल मैप में अगर अपने नेविगेशन आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अपने मैप्स में जाना है, मैप्स के लिए गूगल मैप्स का फोल्डर, तो उसको खोल लेना है और आपको कोई भी लोकेशन डाल के आपको वही जो आइकन आता है बोरिंग वाला आइकन उसको ला देना है। सर्च करके कुछ भी आप स्टार्ट करके अपने आइकन को ला दीजिए। इस तरह का जब आइकन आपके पास आ जाएगा तो इसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर कार आइकन आ जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी कार आइकन लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार इस तरह से। और फिर इसमें आप दोबारा इस आइकन में क्लिक करेंगे, ये चेंज करना तो ये भी चेंज करके लगा सकते हैं, इस तरह से कोई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गूगल मैप में जो भी नेविगेशन आइकन है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि बड़ा स्टाइलिश लगता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, ये आइकन तभी चेंज होगा जब आप अपने प्ले स्टोर में जाकर गूगल मैप को अपडेट कर लेंगे, अपडेट होना चाहिए तभी ये आइकन चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच।